सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम अपनी जिंदगी के मोस्टली जो डिसीजन लेते हैं वो इन दो डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है रैशनल डिसीजन मेकिंग और सेकंड पे आ जाता है बाउंडेड रैशनैलिटी डिसीजन मेकिंग। तो इस वीडियो में हम इन दोनों के कंसेप्ट को, लॉजिक को एग्जाम्पल के साथ इजी वे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए, वो डिसीजन मेकिंग जिसकी बुनियाद पे सही लॉजिक हो, सही नॉलेज हो, करेक्ट लॉजिक हो, करेक्ट नॉलेज हो, उस डिसीजन मेकिंग को हम रैशनल डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। इस डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव होते हैं। अगर हम एक डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शन होती हैं, हम वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करना होता है, इसके अंदर एनालिसिस करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है, जो डिसीजन मेकिंग हमारे लिए सबसे अच्छी और सूटेबल होती है, बेस्ट होती है, उस अल्टरनेटिव को, उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जैसे एक कंपनी है तो उसने, उसकी प्रॉब्लम है, उसने रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उसको पता है हमारे जो पास वाला सप्लायर है वो हमें महंगा दे रहा है, हमारे दूर सिटी, एक हमारी जो फैक्ट्री है उससे दूर एक सिटी है, उधर जो सप्लायर है वो रॉ मटेरियल हमें सस्ता दे रहा है पर उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी, और हमें वही रॉ मटेरियल चाइना से या आउट ऑफ सिटी जो है बहुत सस्ता भी मिल रहा है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये डिफरेंट उसके पास अल्टरनेटिव है, तो अभी वो क्या करेगी, कंपनी कैलकुलेशन करेगी कि किधर से हमें सस्ता मिल रहा है, हमारे पैसे भी बच रहे हैं और हमें क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, तो फिर उसके बाद एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेगी। तो इस डिसीजन मेकिंग को जो एनालिसिस करके और एक सूटेबल हम डिसीजन लेते हैं, एक सूटेबल ऑप्शन और अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं, इस डिसीजन मेकिंग को हम रैशनल डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। सेकंड पे आ जाता है बाउंडेड रैशनैलिटी डिसीजन मेकिंग। बाउंडेड, देखिए बाउंडेड का मतलब होता है लिमिटेड, वो डिसीजन मेकिंग जिसकी बुनियाद पे हमारे पास लिमिट फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो और उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे हमने डिसीजन लेना हो। तो समटाइम जो नए नए लोग होते हैं, जो कंपनी के अंदर जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता, जिनको नहीं पता होता, तो वो इस टाइप के जो बाउंडेड रैशनैलिटी डिसीजन मेकिंग होते हैं वो लेते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता, जो अभी एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं, या कोई जो अभी जिसकी नई नई शादी हुई है उसको नहीं पता कैसे घर का सर्कल चलाना है, कैसे सैलरी को मैनेज करना है, जो आपके फादर हैं, जो आपकी मदर हैं, उनको ज्यादा पता है अच्छे से, क्योंकि उन्होंने टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो वो रैशनल डिसीजन मेकिंग लेंगे। आप जो नए नए होते हैं लोग, वो बाउंडेड रैशनैलिटी डिसीजन मेकिंग लेंगे, उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।